So hello and welcome people, this is your anchor Anjaneya Sro and you guys are watching me Starlet Entertainment and I'm back here again with another interesting update from the world of television. खबर है महिमा मकवाना को लेके, काफी दिनों से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो अभी लीप आने वाला है, लीप के बाद पोस्ट जनरेशन लीप जो लीड में रहने वाली है एक्ट्रेस जो कि लीड का कैरेक्टर पकड़ेगी ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए वो महिमा मकवाना होने वाली है। आपको बता देना चाहे महिमा मकवाना काफ़ी जानी मानी एक्ट्रेस हैं टीवी इंडस्ट्री की। टीवी में उन्होंने सपने सुहाने लड़कपन से स्टार्ट किया था, उसके बाद बॉलीवुड डेब्यू भी किया अंतिम के साथ सलमान खान और आयुष शर्मा की जो मूवी थी, उसके बाद काफ़ी अच्छा खासा काम कर रखा था उन्होंने। और अभी खबर काफ़ी दिन से आ रही थी इस बात को लेकर कि ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं जब लीप आनेगा तो लीप के बाद से फीमेल लीड में जो एक्ट्रेस रहने वाली है वो और कोई नहीं जबकि महिमा मकवाना है। हालांकि इस सारे के सारे रूमर्स पे उन्होंने बेसलेस घोषित कर दिया है उसको। जब उनसे हाल ही के इंटरव्यू में पूछा गया इसके बारे में तो उन्होंने बहुत ही स्माइल करते हुए बहुत प्यार से बताया कि अगर ऐसा है तो और भी 4-5 प्रोजेक्ट्स के नाम जोड़ दो मेरे साथ, ये रिश्ता ही क्यों, सिर्फ और सिर्फ ये रिश्ता क्या कहलाता है कि क्यों नाम जोड़ना, और भी 4-5 प्रोजेक्ट्स के नाम जोड़ दो कि मैं वो भी करने वाली हूँ। और काइंड ऑफ इस तरह से उन्होंने इस पूरे के जो सारे ये रूमर्स थे इनको मना कर दिया और इससे साफ क्लियर हो जाता है कि महिमा मकवाना नहीं करने वाली है ये रिश्ता क्या कहलाता है आफ्टर जनरेशन लीप एज एन लीड। तो क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे के पूरे मामले में हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही ऐसी और भी अपडेट्स को देखते और सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मी स्टारलेट एंटरटेनमेंट।